हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मुकेश राय टेक। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि यहाँ पर जेएस यूनिवर्सिटी रिलेटेड वीडियो है। यहाँ पर देखेंगे कि जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम जो कि सेमेस्टर सिस्टम है, यहाँ पर देखिए सेकंड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर है ना, सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन शेड्यूल, जो कि एग्जामिनेशन शेड्यूल है वो आप देखेंगे कि कौन सा कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि बीएससी मैथ वाले, बीए वाले और बीएससी बायो वाले, बीकॉम वाले और यहाँ पर बीएससी स्टूडेंट के लिए सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि 16 जून से स्टार्ट होने वाले हैं, 16 जून से स्टार्ट होने वाले हैं। और अपना यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आप जो जे एस यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर आपको टाइमिंग दी गई मॉर्निंग शिफ्ट की और यहाँ पर आपको टाइमिंग दी गई है इवनिंग शिफ्ट की। ठीक है, जैसे कि 1:30 से लेकर 3:30 तक रहेगा। इसके बाद आगे देख सकते हैं कि जैसे बी एस सी मैथ वाले और बी ए वाले, बी ए और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि फिज़िकल एजुकेशन, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं वो आपको इधर देखेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे सेमेस्टर, यहाँ पर आपको देखेंगे सेमेस्टर, जो कि सेमेस्टर 2-4 जो भी आपके सेमेस्टर हैं। इसके बाद आप देखेंगे 19 तारीख में, जैसे 19 तारीख में 19 जून को होने वाले एग्ज़ाम है ये। इसके बाद 20 तारीख को जैसे कि बीएससी सीएस वाले कंप्यूटर साइंस और यहाँ पर बीए जैसे हिंदी, फिलॉसफी, अलग अलग यहाँ पर आपको पेपर मिलेंगे। और 21 तारीख होने वाले हैं ये बीए के। और आप देख सकते हैं आगे जैसे कि अपना जो भी पेपर हैं, क्योंकि इसमें मिक्सचर दिया गया है, अलग अलग अपना इसमें से छांट लें। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां से आप डायरेक्ट पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे 24 तारीख में, और या फिर आप स्क्रीन शॉट लेके आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। यहाँ पर 26 उर्दू, जियोग्राफी, बीए का जहाँ सोशोलॉजी, एजुकेशन, यहाँ पर 26 से 27 को ओमर बेस्ट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि बीए, बीकॉम सेकंड, यहाँ पर देखें वोकेशन स्किल डेवलपमेंट पेपर होगा ये वाला, देख सकते हैं जो कि ये फोर्थ का होगा। ठीक है, इसके बाद बीएससी बायो जैसे बॉटनी पेपर वन मेजर जैसे रिसर्च 1 जुलाई को होने वाले हैं, और ये शिफ्ट तो वही रहेंगी, लेकिन 3 जुलाई को होने वाले हैं जैसे कि एमए का होने वाला है और बीएससी का भी होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे 4 जुलाई को जैसे कि बीएससी बायो, एमए का जैसे बीएससी बायो केमिस्ट्री का होगा और यहाँ पर एमए का फिलोसफी पेपर 3 यहाँ पर मेजर होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप देखेंगे और भी है थोड़ा, जैसे कि ओएमआर बेस्ड वाले तो यहाँ पर आपको ओएमआर बेस्ड देगा, यानी कि उनमें ओनली ऑप्शंस आएंगे, आपको थ्योरी नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि लिखा हुआ है इसमें कि 6-7। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ओएमआर बेस्ड होगा। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे कि बीएससी मैथ, सीएस और 10-7 यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद 11 और 12, ठीक है, 12 तारीख में होने वाले हैं, और उसके बाद है 13 तारीख को ये लास्ट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि एमएससी केमिस्ट्री और एमएससी मैथ, बॉटनी और कंप्यूटर साइंस, ठीक है, सभी यहाँ पर लिखा हुआ है। जो भी आपके नोट है, इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है कि जो भी परीक्षार्थी हैं वो अपना आईडी कार्ड और आधार कार्ड ले गया है, एडमिट कार्ड भी लाना है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको दी गई जानकारी अगर सेटिस्फाई हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि आप ये उनको भी पता चल सके, क्योंकि उनका पेपर मिस ना हो सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।